बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर मुअज़्ज़म मंजूर, फाउंडर एंड सीईओ टॉप ग्रेड डॉट पीके। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ द बेस्ट मेथड टू रीड द बुक, स्पेसिफिकली द टेक्स्ट बुक, बट यू कैन यूज़ दिस मेथड टू रीड एनी बुक यू कैन से। इससे पहले कि मैं कन्वेंशनली डिस्कशन स्टार्ट करूँ विद दिस मेथड, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, और वो ये है कि हमारी मेमोरी दो तरह की होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी और दूसरी लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी लिमिटेड होती है और स्ट्रेस में हमारा साथ छोड़ जाती है, जबकि लॉन्ग टर्म मेमोरी अनलिमिटेड होती है और स्ट्रेस में हमारा साथ नहीं छोड़ते। अब क्वेश्चन ये है कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम मैक्सिमम चीज़ें अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करें, या आप इस तरह से भी इसको सोच सकते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने का साइंटिफिक मेथड क्या है। इस वीडियो के एंड पे आप वो भी जानेंगे, और अब मैं कुछ कोट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो कि बुक रीडिंग को लेके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सीन हियर, नो टू पर्संस एवर रीड द सेम बुक। कभी भी कोई से भी दो लोग वो सेम बुक नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि दोनों का बैकग्राउंड नॉलेज बहुत ज़्यादा फर्क होता है, और उस वजह से ऑफकोर्स नो टू पर्सन, इवन आप खुद भी कोई भी बुक जो है वो सेम एंगल से दो दफ़ा नहीं पढ़ सकते। लाइक से जस्ट इमेजिन आपने अपनी बुक का से चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट टाइम पढ़ा था, और जब आपने उसको सेकेंड और थर्ड टाइम पढ़ा तो हर दफ़ा आपकी उससे नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, राइट? सो नो टू पर्सन एवर दे रीड द सेम बुक। एंड उसके बाद फिर एक और बड़ा मज़े का कोट है, और मैं इसको वैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। यू सीन हियर, इफ़ वी एनकाउंटर अ मैन ऑफ रेयर इंटेलेक्ट, एक ऐसा बंदा जिसका इंटेलेक्ट रेयर है जो आम लोगों में नहीं मिलता, वी शुड आस्क हिम व्हाट बुक्स ही रीड्स। हमें उसके पास जाके पूछना चाहिए, भाई किताबें कौन सी पढ़ते हैं, राइट? सो बल्कि मैंने ऐसा किया भी है, जब भी मुझे कोई रेयर या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलेक्ट का कोई शख्स मिला, मैंने हमेशा उससे क्वेश्चन किया कि आपकी फेवरेट बुक्स कौन सी हैं, आप किन किताबों को पढ़ते हो, और मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। सो ये एक अहम पॉइंट था बताने के लिए। और इसके बाद फिर एक और कोट है, देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ डिफरेंस बिटवीन एन ईगर मैन हु वॉन्ट्स टू रीड अ बुक एंड अ टायर्ड मैन हु वॉन्ट्स अ बुक टू रीड। देखिए, एक बंदा है उसको शौक है किताब पढ़ने का, उसको कोई उसने शौक से कोई किताब पढ़नी है, इस मकसद के लिए वो खुद एक्टिवली किताब को ढूंढ रहा है, और दूसरा बंदा है जिसको बस टाइम पास करने के लिए किताब पढ़नी है, वो सोच रहा है बस मुझे कोई किताब मिल ले तो मैं उसको पढ़ लेता हूँ, मेरा कुछ टाइम अच्छा गुजर जाएगा। सो दोनों में, दोनों की अप्रोच में, दोनों की सोच में ज़मीन आसमान का फर्क है। और उसके बाद फिर एक और इम्पॉर्टेंट कोट है, रीडिंग इज़ टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज़ टू द बॉडी। जैसे हमारी बॉडी की फिटनेस के लिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है, इसी तरीके से हमारे ब्रेन की फिटनेस के लिए रीडिंग का बड़ा पिवटल रोल होता है, बहुत ही अहम तरीन रोल होता है। अब हम डिस्कस करने लगे हैं द बेस्ट मेथड टू रीड द टेक्स्ट बुक। इस मेथड को हम नाम देते हैं SQ3RT मेथड। नाउ व्हाट इज SQ3RT मेथड? इसमें बेसिकली 6 स्टेप्स हैं। फर्स्ट एस स्टैंड्स फॉर सर्वे, एंड द क्यू इट स्टैंड्स फॉर क्वेश्चंस, एंड देन 3 R's दे स्टैंड फॉर रीड, रिकॉल एंड रिव्यू रिस्पेक्टिवली, एंड लास्ट ऑफ ऑल टी जो स्टेप है दैट इज टीच। सो SQ3RT मेथड, सर्वे, क्वेश्चंस, रीड, रिकॉल एंड रिव्यू। पॉइंट मैं यहाँ पे ये जनरेट करना चाहता हूँ कि जब भी आप अपनी टेक्स्ट बुक को या किसी भी बुक को पढ़ेंगे तो आपने इन 6 मराहल में से गुजर के टेक्स्ट बुक को पढ़ना है। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले तो इस प्रोसेस को कॉम्प्रिहेंड करना ही इतना मुश्किल है, तो इसको फिर पूरे डिसिप्लिन के साथ इम्प्लीमेंट करना कितना मुश्किल होगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये बिल्कुल कार ड्राइविंग के जैसा है। डू यू रिमेंबर, जब फर्स्ट टाइम आपने गाड़ी ड्राइव करनी होती है तो आप यहाँ तक सोच रहे होते हो गाड़ी के मैं ओपन कहाँ से करूँ, और उसके बाद इसको मैंने स्टार्ट कैसे करना है, फिर इसका कैसे इसकी ब्रेक अप्लाई होगी, इसका कैसे क्लच प्रेस करेंगे, या इसकी इसका गियर कैसे चेंज करेंगे वगैरह वगैरह, रेस कैसे देनी है, इंडिकेटर कैसे करना, यू आर थिंकिंग अबाउट ईच एंड एवरी सिंगल डैम थिंग, और हर चीज़ आपको कन्फ्यूज़ भी कर रही होती है। लेकिन वैन यू प्रैक्टिस ऑन द डेली बेसिस, तो चंद दिन के बाद क्या होता है, वो चीज़ आपके रिफ्लेक्सेस में आ जाती है,
वो आपकी हैबिट बन जाती है। अब आप आराम से चाबी पकड़ते हैं, यू रिंग घुमाते हुए, यू गो, यू सिट इन द कार, यू स्टार्ट ड्राइविंग, यू डोंट इवन थिंक अबाउट द पाथ इवन। आप रास्ते के बारे में भी नहीं सोचते, आप दबाव में अपने काम के बारे में, अपनी स्टडी, अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे होते हैं, और आपको पता तब चलता है जब आप अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच जाते हैं। सो ये रिफ्लेक्सेस में आ गया। क्या गाड़ी ड्राइव करते हुए आप ये सोचते हैं कभी कि मैंने कितनी मुश्किल से इसको सीखा था? तो इसी तरीके से इसको सीखने के लिए थोड़ी सी एफर्ट आपको लगानी पड़ेगी। लेकिन मेरी एडवाइस के ऊपर, अगर आप थोड़ी सी एफर्ट लगा दें बुक रीडिंग सीखने पे, तो आपकी जो बाकी मानदा जिंदगी है लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। मीन्स कि आप एक ग्रेट लर्नर बन जाएंगे। मे बी ऑलरेडी आप एक गुड लर्नर हैं, लेकिन आप एक ग्रेट लर्नर बन जाएंगे। देखें, किसी भी काम के मयार के लिए तीन अल्फाज बोले जाते हैं। कोई काम अच्छा हो सकता है और बेहतर और बेहतरीन भी हो सकता है। हो सकता है कि आप ऑलरेडी अच्छे या बेहतर तरीके से किताब को पढ़ रहे हों, लेकिन आज मैं आपको किताब पढ़ने का बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ। राइट, सो ये है SQ3RT मैथड। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो 6 स्टेप्स हैं हमारे, हम हर स्टेप के बारे में जस्ट 3 क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे सर्वे के बारे में कि इस सर्वे क्या है, और फिर सर्वे की क्यों ज़रूरत पेश आती है, बुक पढ़ने से पहले आपको सर्वे क्यों करना चाहिए, और थर्ड नंबर पे ये सर्वे कैसे करते हैं। सो व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ये 3 क्वेश्चंस हम पहले सर्वे, फिर क्वेश्चंस रीड, रिकॉल, इवन रिव्यू और टीच के बारे में हम इन्हीं 3 क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, और अल्टीमेटली आप ये मेथड सीख जाएंगे। फिर एंड में जाके मैं इस मेथड को सम अप भी करूंगा। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन विद सर्वे। सबसे पहले सर्वे है क्या? जस्ट इमेजिन that you have built a new home. In that home, you have built a new kitchen. In that kitchen, you have got so many things, like you have got the spoons and forks and knives, and you have got so many utensils, and they are all lying in the form of a pile. Now, you need to pull out the spoon. Like, you will have to pull out the spoon with a difficulty from that pile. या आपको छुरी चाहिए, या आपको कोई भी चीज़ चाहिए, उस ढेर में से आपको निकालने में मुश्किल होगी. Now, what's the solution to this problem? Simple answer to this question is, make shelves in your kitchen, arrange every single damn thing over there, and in the same way, survey kitchen shelves ke jaisa hai, right? Survey basically wo framework hai jiske andar aap apni information ko organize karenge. सर्वे के नतीजे में हम समझ लें कि अपने ब्रेन में शेल्व्स बना देंगे, और फिर डिफरेंट शेल्व्स में हम डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को अरेंज करेंगे। एंड इफ यू विल डू समथिंग लाइक दैट ऑन द डे ऑफ एग्जाम, यू विल बी एबल टू पुल आउट द स्पून, यू विल बी एबल टू पुल आउट द नॉलेज फ्रॉम योर ब्रेन विद द सेम ईज एज यू कैन पुल आउट द स्पून और फोक और नाइफ फ्रॉम द किचन विच यू हैव अरेंज विद योर ओन हैंड्स। राइट, सो आप उतनी ही आसानी से अपने ब्रेन में से इंफॉर्मेशन को एग्जाम में बैठ के पुल आउट कर सकेंगे, जितनी आसानी से आप अपने हाथ के अरेंज किए हुए किचन में से कोई अपनी मर्जी की चीज निकाल सकेंगे। सो लेट्स डिस्कस इन मोर डिटेल कि सर्वे बेसिकली है क्या। सो सर्वे, यू सीन हियर कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम बिग पिक्चर भी कह सकते हैं, ये एक, या इसको हम माइंड मैप भी कह सकते हैं, रोड मैप भी कह सकते हैं, या किचन शेल्व्स भी कह सकते हैं। राइट, सो टू बी मोर प्रिसाइज, ये बर्ड्स आई व्यू है ऑफ द होल चैप्टर और सेक्शन। जो भी चैप्टर या सेक्शन आप पढ़ने वाले हैं, ये उसका तायराना जायजा है, ओवरव्यू से उसका एक एक कहले के व्यू है। राइट, बर्ड्स आई व्यू जिसको हम बोलते हैं। लाइक कई दफ़ा ना व्यू होता ही दूर से है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक पहाड़ को स्टडी करना है, तो उसका जो मे बी बहुत क्लोज उसके आप चले जाएंगे, तो आप उसके ट्रू व्यू को कंप्रीहेंड ही नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से कई दफ़ा हम क्या करते हैं, हम बुक से जूम आउट करके हम दूर से ओवरऑल चैप्टर का जायजा लेते हैं, अच्छा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ओवरऑल इंक्लूडेड हैं, ताकि आपका ब्रेन जो है, जो कि स्कैटर्ड था पहले, वो उस चीज़ के ऊपर ओवरव्यू से एक दफ़ा फोकस करना शुरू कर दे। बाद में हम फाइनल डिटेल्स में भी जाएंगे, लेकिन एक दफ़ा हम ग्रॉस डिटेल्स पकड़ते हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वी हैव गॉट व्हाई। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सर्वे करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन। अगर आप सर्वे नहीं करेंगे, बर्ड्स आई व्यू नहीं लेंगे, तो आप बस एक लाइन पढ़ी, दो लाइन पढ़ी, या जैसे भी पढ़ते चले जाएंगे, और माइंड में क्या करेंगे, ढेर लगाएंगे इंफॉर्मेशन का, और पाइल बनेगा, फिर अगेन आपको एग्जाम वाले दिन इंफॉर्मेशन पुल आउट करने में प्रॉब्लम आएगा। लेकिन अगर आप सर्वे की मदद से माइंड में शेल्व्स बना लेते हैं,
माइंड में सेक्शंस बना लेते हैं, आप कदरे बेहतर अंदाज से इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि सर्वे करते कैसे हैं। सो हाउ टू डू द सर्वे। इसमें सबसे पहले नंबर पे आपने क्या करना है, आपने उस चैप्टर या सेक्शन का टाइटल पढ़ना है। नंबर टू पे आपने उसके इंट्रोडक्शन को तफसील से पढ़ना है, जैसे हर चैप्टर के स्टार्ट में बताया होता है कि इस चैप्टर में हम इन इन बातों के बारे में पढ़ेंगे, उस इंट्रोडक्शन को पढ़ना है। उसके बाद नंबर थ्री पे आपने सारी की सारी हेडिंग्स को पढ़ना है, उस चैप्टर में या सेक्शन में जितनी भी हेडिंग्स दी गई हैं उन्हें आप पढ़ें, और इवन अगर सब हेडिंग्स हैं आप उन सब हेडिंग्स को भी पढ़ें। इसके अलावा अगर उस चैप्टर में या सेक्शन में डिफरेंट पिक्टोरियल्स दिए गए हैं, डिफरेंट तस्वीरें बनी हुई हैं, तो या ग्राफ्स हैं या कंप्यूटराइज फोटोग्राफ्स हैं या डायग्राम्स हैं, व्हाट्सएवर, आप उनको भी तसली से एग्जामिन करें यार इसके अंदर क्या एक्सप्लेन करने की इसने कोशिश की हुई है। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो टेक्स्ट के अंदर बड़ी लंबी डिटेल बता देते हैं और उसके बाद जाके एंड में जाके एक सिंपल सी डायग्राम होती है जिससे वो सब कुछ आपको एकदम समझ में आ जाता है। तो अगर आप पहले से बर्ड्स आई व्यू ले चुके होंगे वो डायग्राम किसी ना किसी हद तक आपके माइंड में होगी, अगर उससे रेलेवेंट टेक्स्ट आता है आप ऑटोमेटिकली कोरिलेट करना शुरू कर देंगे। और इसी तरीके से हर चैप्टर के एंड में समरी दी होती है जिसके अंदर ऑथर ने बताया होता है कि इस चैप्टर में हमने ये सीखा है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो समरी भी ज़रूर पढ़ें। आप समरी भी पढ़ लेंगे, इससे क्या होगा आपका कि ओवरऑल आपको जो सिखाना चाह रहा है वो आपके माइंड में एकदम से आ जाएगा, अच्छा यार ये चीज़ें ये कवर करना चाह रहा है। सो इस तरीके से आप करेंगे सर्वे। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड स्टेप ऑफ दिस SQ3RT मेथड। अब इस सेकंड स्टेप क्या है, दैट इज क्वेश्चंस। मतलब जब आपने सर्वे कर लिया अब आपने जिस भी एरिया को पढ़ना है उस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके दिमाग में होने चाहिए। अब क्वेश्चंस को हम डिफाइन करते हैं कि क्वेश्चंस हैं क्या बेसिकली। आई वुड से जो बेस्ट डेफिनेशन मुझे क्वेश्चंस की मिली है दैट इज क्वेश्चंस आर हाफ द नॉलेज एंड या ये हुक्स हैं टू ग्रैब द नॉलेज। जब आपके दिमाग में सवाल आ जाता है ना तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग कोशिश करता है उसके जवाब को फाइंड करने के लिए। तो एक ऐसा स्टूडेंट जिसके माइंड में क्वेश्चंस हैं बुक पढ़ने से पहले, ऐसे स्टूडेंट की निस्बत कदर ज़्यादा बेहतर पढ़ेगा जिसके माइंड में बुक रीडिंग से पहले क्वेश्चंस नहीं हैं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चंस दे आर हाफ द नॉलेज और दे आर हुक्स टू ग्रैब द नॉलेज। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि क्वेश्चंस की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है। बेसिकली द क्वेश्चंस दे गिव अस पर्पस ऑफ रीडिंग। जब हमने बुक को पढ़ना होता है तो हमने किस मकसद के तहत पढ़ना है, क्या सोच के उसको पढ़ना है, ऑफकोर्स क्वेश्चंस हमें वो मकसद या वो पर्पस हमें दे देते हैं, राइट। सो क्वेश्चंस दे गिव अस पर्पस ऑफ रीडिंग। आई वुड से रीडिंग विदाउट क्वेश्चंस इज पैसिव रीडिंग। पैसिवली आप बस पढ़ी जा रहे हैं, आपका ब्रेन के आपके ब्रेन को पता ही नहीं है कि मैं इसमें से क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड रीडिंग विद क्वेश्चंस इन द ब्रेन इज एक्टिव रीडिंग। आप एक्टिवली आपका ब्रेन देख रहा होगा, आपके ब्रेन के माइंड आपके ब्रेन में काफी सारे क्वेश्चंस हैं एंड व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द बुक आपका ब्रेन खुद बखुद देख रहा होगा हाँ यार ये क्या इसका आंसर क्या था। तो आपके माइंड में जितने क्वेश्चंस और जितनी कंफ्यूजन ज्यादा होंगी टेक्स्ट बुक को पढ़ने से पहले उतना ज्यादा आपका ब्रेन एक्टिवली चीजों को लर्न करेगा। सो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को अपने माइंड में रखना बिफोर गिविंग अ प्रॉपर रीड टू द बुक। अब यहाँ पे एक अहम तरीन बात यह है कि क्वेश्चंस आएंगे कैसे। आपने तो अभी एग्जाम दिया ही नहीं है और आप शायद फर्स्ट टाइम रीड देने लगे हैं बुक को, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आने हैं। तो इसके हवाले से मैं आपको कुछ गाइडलाइंस दे देता हूँ। ये गाइडलाइंस आपको हेल्प करेंगी बुक को फर्स्ट टाइम रीड किए बगैर वहाँ से क्वेश्चंस को एंटिसिपेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद के क्वेश्चंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब भी मैंने कोई भी नई चीज़ सीखनी होती है तीन क्वेश्चंस तो मेरे माइंड में होते ही हैं, व्हाट व्हाई एंड हाउ। फॉर एग्जांपल अभी देखें हम SQ3RT मेथड पढ़ रहे हैं तो मैंने आपसे देखे तीन क्वेश्चंस के ऊपर हम ऑल द वे बात कर रहे हैं कि ये जो भी स्टेप हम डिस्कस कर रहे हैं क्या है क्यों है कैसे है। बाकी ठीक है अगर रेलेवेंट हो तो विच व्हाई हू व्हेन वेयर और भी क्वेश्चंस आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं उस चीज़ के अंदर अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करके। इसके अलावा कई दफ़ा जब क्लास में टीचर ने पढ़ाया होता है या टीचर जब पढ़ा रहा होता है वो अच्छे टीचर्स या रादर दी बेस्ट टीचर्स जो होते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि वो क्लास में बता दें कि यहाँ से एग्जाम में सवाल इस तरीके से आना है। बल्कि ये मैं आपको बड़ी एक प्रो टिप दे देता हूँ कि चूंकि टीचर की एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है वो मल्टीपल ईयर से पढ़ा रहा है आप हर लेक्चर के एंड पे टीचर से आप क्वेश्चन कर दें सर प्लीज़ ये तो बता दें कि यहाँ से एग्जाम में सवाल कैसे आएगा।
सो ऑटोमेटिकली टीचर की हैबिट बन जाएगी उल्टा आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करवाने की, राइट? और आपको बड़ी आसानी से क्वेश्चंस मिल जाया करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ योर टेक्स्ट बुक के। इसके अलावा फिर आपसे जब क्लास टेस्ट लिया जाता है तो अगर क्लास टेस्ट हो गया उसमें जो भी क्वेश्चंस आए इवन आप उसको साथ रखें नेक्स्ट टाइम बुक को रिवाइज करते वक्त। और इसके अलावा पास पेपर्स अगर आपके पास हैं तो जैसे कि topgrade.pk ऐप के अंदर आपको पास क्वेश्चंस मिल जाते हैं, इवन हर टॉपिक के पास क्वेश्चंस अलग से मिल जाते हैं। तो अगर पास क्वेश्चंस का रिसोर्स आपके पास है आप बुक को पढ़ने से पहले क्वेश्चंस को रीड दे लें। मैं ये नहीं समझता कि क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपको सारे के सारे आते होंगे, मैं कहता हूँ आपको भले 20% आते हैं बट स्टिल अभी हम क्वेश्चंस को यूज़ कर रहे हैं एज अ टूल टू एक्टिवेट आवर ब्रेन, एज अ टूल टू गिव क्लियर कट ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस टू आवर ब्रेन फॉर रीडिंग द बुक। कि किताब पढ़ने के लिए हम ब्रेन को कमांड दे रहे हैं भाई ये चीज़ें से अंदर से सीख लेना, राइट? कहते हैं ना अपने दिमाग से काम लेना, ये भी बड़े दिमाग का काम होता है। तो लाइक मैं आपको ये ट्रेन कर रहा हूँ कि अपने अपने ब्रेन से बेस्ट काम कैसे लेना है। इसके अलावा जो मॉडल क्वेश्चंस हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं एंड सो ऑन। और किसी भी और तरीके से अगर आपको कोई क्वेश्चंस मिलते हैं आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर ऑन बोर्ड लेके आएँ। और बस अहम बात ये है, अहम तरीन बात यह है कि जब आप टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे हों तो आपने आपने क्वेश्चंस को अपने ब्रेन में रखना है, राइट? सो पढ़ते हुए क्वेश्चंस आपके दिमाग में लाजमी तौर पे होने चाहिए। वो कहते हैं ना कि इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू फाइंड समथिंग यू मस्ट फर्स्ट लर्न हाउ टू हाइड समथिंग, इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू आंसर अ क्वेश्चन यू मस्ट फर्स्ट लर्न हाउ टू राइट अ क्वेश्चन। द पॉइंट आई वॉन्ट टू जनरेट इज Whenever you are studying your textbook for the preparation of your exam, always keep in mind certain words like what, when, where, which, why, how, who. Think like scientists, think like teachers, think like paper setters, think like examiners. या simply अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ जब भी आपने अपनी टेक्स्ट बुक को अपने एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ना है आपने एक ऐसा हाइपोथेटिकल चश्मा लगा के किताब को पढ़ना है कि आपको किताब में ब्लंट टेक्स्ट नजर ना आए बल्कि क्वेश्चन नजर आए एंड देन यू रीड योर टेक्स्ट बुक इन क्वेस्ट ऑफ फाइंडिंग द आंसर्स टू दोस क्वेश्चंस। फिर आप किताब को पढ़ें उन सवालों के जवाबों की तलाश के लिए। So this is incredibly important here. So इसके साथ ही हमारा जो second step है SQ3RT method का वो ख़त्म होता है and it takes us to the third step that is reading. Now first of all let's see what is reading. अब reading है क्या and simply अगर मैं reading को define करूँ reading का मतलब है पढ़ना। ये कहने में जितना आसान है करने में उतना ही मुश्किल काम होता है, right? और अब अगर मैं से 10 स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं एक ही कंटेंट रीड करने के लिए दूंगा, हर स्टूडेंट का उसको रीड करने का जो अंदाज है उसमें फर्क है, राइट? तो दुनिया के जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं वो कैसे बुक रीडिंग करते हैं, राइट? सो ये अगर आपको ये पता है तो ऑफकोर्स आप भी उनको कॉपी कर सकते हैं। सो मैं आपको बताता चलूँ कि रीडिंग जब आपने रीडिंग करते हुए आपका ऑब्जेक्टिव है क्या बेसिकली, खासतौर पर जब आप फर्स्ट रीड दे रहे हो ना बुक को उस वक्त आपका ऑब्जेक्टिव है क्या? आपका ऑब्जेक्टिव ये है नंबर वन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो बच्चे पहली दफ़ा किताब को पढ़ते ही याद करने की कोशिश करते हैं ना दैट्स रियली रियली सिली। सबसे पहले नंबर पे बस आप सिर्फ आपने एक चीज़ पे फोकस करना है और वो ये है कि आपने जो किताब में दिया हुआ है जो भी वर्ड्स हैं जो टर्मिनोलॉजी है जो कॉन्सेप्ट्स हैं बस आपको वह समझ में आ जाए। आप ये सोचें भी ना कि मैंने इनको याद रखना है, उनको रिटेन करने का ना सोचें, क्योंकि अगर आप एक ही टाइम पे अंडरस्टैंड भी करने की कोशिश करेंगे और रिटेन करने की कोशिश भी करेंगे तो डेफिनेटली आपका ब्रेन उस तरह से काम नहीं कर पाएगा और रिटेन करने के चक्कर में जगह जगह स्पीड ब्रेकर्स भी आएंगे। आप पढ़ते जा रहे हैं अंडरस्टैंड करते जा रहे हैं एक जगह पे एक टेबल आ गया मेमोराइज कर रहे हैं, अब आपने अंडरस्टैंडिंग को छोड़ के मेमोराइजेशन पे शिफ्ट हो जाएंगे फिर दोबारा अपने ब्रेन का मोड चेंज करेंगे तो इट वुड एक्ट लाइक अ स्पीड ब्रेकर। सो ये अहम तरीन बात ये है कि आप ओवरऑल सबसे पहले रीड में आप क्या करेंगे, आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन डेवलप करेंगे कि यार किताब में जो लिखा है मुझे समझ आ जाए, कम से कम जहाँ से मैं देखूँ मुझे पता हो यार ये लिखा हो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन। एंड सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव मेजर ऑब्जेक्टिव आपके ब्रेन में होना चाहिए रीडिंग को लेके वो क्या है कि आपने फास्ट रिवीजन के लिए मेथड डेवलप करना है पहली रीड के दौरान। क्योंकि मैं ये समझता हूँ मेरी जो अपनी एक्सपीरियंस भी है क्योंकि मैं खुद ऑफकोर्स जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ मैं 100% इसी मेथड के तहत ही बुक को रीड करता हूँ। तो फर्स्ट टाइम जब आप रीड कर रहे होते हैं ना
टेक्स्ट बुक को या किसी भी बुक को, तो उस वक्त आपका ब्रेन बेस्ट पोजीशन में होता है ये डिटरमिन करने के लिए कि यार बाद में इसकी रिवीजन करनी कैसे, राइट। तो आपने फर्स्ट टाइम दो ऑब्जेक्टिव्स के साथ बुक को रीड करना है, नंबर एक आपने इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना है, और नंबर टू आपने ये भी सोचना है कि यार ये मैं रिवाइज कैसे करूँगा, इसकी मेन हेडिंग्स कौन सी हैं, इसके कीवर्ड्स कौन से हैं, इसके अंदर से टेबल बनाऊँ या फ्लो शीट बनाऊँ या बुलेट पॉइंट्स बनाऊँ, मैं क्या ऐसा करूँ कि मैं इसको सब्सिक्वेंटली बड़े कम टाइम में रिवाइज करवाऊँ। इसके लिए भी बड़ा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। बच्चे मेरे से अक्सर पूछते हैं कि सर अगर हमने एक दफ़ा एक चैप्टर के ऊपर 6 hours लगा दिए हैं तो सेकंड टाइम ये कितनी देर में तैयार होना चाहिए। माई आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3 hours में, और थर्ड टाइम ऑफकोर्स ये 1.5 hours में, एंड सो ऑन। सो हर सब्सिक्वेंट रीडिंग अगर पहली रीडिंग से हाफ टाइम नहीं ले रही, इसका मतलब ये है आपका बुक रीडिंग का मेथड एक्यूरेट नहीं है, आपको उसे सीखने की जरूरत है, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, राइट। सो हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि रीडिंग है क्या और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, और अब हम डिस्कस करते हैं कि रीड करते कैसे हैं। इसके लिए बहुत सारे बच्चे इन्फॉर्मेशन को अंडरलाइन कर लेते हैं या ओवरलाइन करते हैं या हाईलाइट कर लेते हैं, राइट। तो इसमें होता ही है कि बच्चे पूरी पूरी लाइन्स को जो जो पढ़ते जाते हैं बस हाईलाइट करते चले जाते हैं या अंडरलाइन ओवरलाइन करते चले जाते हैं, और किताब को रंग बिरंगा सा वो कर देते हैं काफ़ी सारा, और लाइक एक दफ़ा एक लाइन पूरी पढ़ी वो पूरी साथ साथ हाईलाइट कर दी, थोड़ा बहुत कुछ रह गया वो नेक्स्ट टाइम आएंगे और नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे उस जो रह गया उसको भी हाईलाइट कर देंगे। सो पूरी की पूरी किताब पकड़ के रख देते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों की बुक्स को देखा है, पूरी किताब रंगी हुई होती है और फिर जब अगले दिन एग्जाम होता है फिर उनका अपना मुंह भी वैसे रंगा हुआ होता है, राइट। तो लाइक दिस इज नो अ गुड अप्रोच, यू आर नॉट डिवाइजिंग द फास्ट रिविजन वे। जैसे मैंने आपको एक मकसद बताया था ना रीडिंग का कि सेकेंड टाइम हाफ टाइम में रिवाइज होना चाहिए, तो अगर आप सारी हाईलाइट कर देंगे तो सेकंड टाइम हाफ टाइम में कैसे रिवाइज करेंगे। इसके लिए एक मेथड मैंने क्रैक किया है, ये समझ लें कि लाइक मैंने ये किसी से नहीं सीखा, ये मेरी अपनी कह लेंगे रिसर्च है या अपनी मेरी एक इनोवेशन है, कि मैंने सिंबल्स को यूज़ करना शुरू किया टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए, और वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप अपने सिंबल्स इसी तरह से बना सकते हैं अपने ब्रेन के अकॉर्डिंगली, लेकिन मैंने जो सिंबल्स बनाए हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा, ये सिंबल्स मैंने क्या सोच के बनाए हैं? सिंबल्स लाइक मैंने ये डिटरमिन किया कि यार बुक के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट उसके सेट्स हैं, लाइक इन्फॉर्मेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये देखा कि यार मैं पूरा एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ, उस पूरे पैराग्राफ की जो जान है बस 2-3 लफ्ज़ों के अंदर होती है, बाकी तो सारी स्टोरी होती है उसके साथ जुड़ी हुई। तो आप जस्ट इमेजिन करें ना, आप एग्जाम रूम में बैठे हों और आपको कोई क्वेश्चन आ जाए और उस वक्त आप चीटिंग करना चाह रहे हैं, आप अपने फ्रेंड से पूछते हैं और फ्रेंड आपको एक या दो लफ्ज़ बताता है और आपको सारे के सारा रिकॉल है, हाँ ये ऐसे लिखना है, तो वो जो एक दो वर्ड्स हैं समझ लो वो की वर्ड्स हैं, राइट। सो इसी तरीके से जब आप पैराग्राफ कोई भी पढ़ते हैं तो उसके अंदर की वर्ड्स होते हैं जिसकी मदद से एकदम से सारा पैराग्राफ रिकॉल हो सकता होता है, या सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉल हो सकती होती है। सो एक तो सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है की वर्ड्स का, इसी तरीके से बुक के अंदर ही ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें आप हेडिंग्स बनाना चाहते हैं। बड़ी दफ़ा बुक राइटर ने खुद हेडिंग बना दी होती है, बड़ी दफ़ा आप भी पैराग्राफ में से भी हेडिंग्स बना सकते हैं। फिर बुक के अंदर हो सकता है कि पूरा का पूरा पैराग्राफ या पूरी की पूरी लाइन इंपॉर्टेंट हो, या ऐसे भी हो सकता है कि बुक के अंदर कई दफ़ा उन्होंने एक ही लाइन के अंदर पूरी लिस्ट दी होती है, राइट। एक ही लाइन के अंदर कई दफ़ा पूरी लिस्ट दी हुई होती है कि फॉर एग्जाम्पल फंक्शंस ऑफ दिस थिंग आर 1, 2, 3, 4, वो उन्होंने सारी की सारी लिस्ट दी होती है बगैर नंबरिंग के, राइट। कॉमा डाल डाल के उन्होंने लिस्ट दी हुई होती है। अब आप कंपनियां नहीं कर पाते कि यार यहाँ पे कितने फंक्शंस बताए हैं या कितनी बातें लिखी हैं, तो वो लिस्ट आपके दिमाग में सेपरेटली सेग्रीगेट नहीं होती। तो इसी तरीके से बुक के अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन भी होती है जो कि पैराडॉक्सिकल होती है, मतलब हम पढ़ रहे हैं, हमें यकीन है बुक पढ़ रहे हैं तो ये सही इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जब हम बुक को बंद करें हमें लगेगा गलत है। फॉर एग्जाम्पल एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंगली जब ये पेन स्पीड ऑफ लाइट पे जाएगा या हाई स्पीड पे जाएगा इसकी लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, अपेरेंटली इट्स रॉन्ग। अपेरेंटली हमें यही लगेगा ना यार ये तो गलत बात है, ये कैसे हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यस दिस इज राइट। सो ये पैराडॉक्सिकल इन्फॉर्मेशन है। इसी तरीके से किताब को पढ़ते हुए कुछ ऐसा भी होता है आपको समझ नहीं आता यार पता नहीं क्या लिखा है एग्जामिनर ने। अब बड़े सारे बच्चे क्या करेंगे उस कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन को वो वहीं पे वो उसको छोड़ के वो आगे चले जाएंगे और वो कन्फ्यूजन उनकी हमेशा के लिए कन्फ्यूजन ही रह जाएगी। लेकिन जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होंगे वो उस कन्फ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन को भी किसी ना किसी तरीके से अपने ब्रेन में किसी खास जगह पर स्टोर करेंगे। इसी तरीके से निगलेक्टेड इन्फॉर्मेशन होती है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, सेम टर्मिनोलॉजीज होती हैं, सिमिलर इन्फॉर्मेशन होती है, या ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ से शॉर्ट लॉन्ग या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, राइट। इस तरह से कोरिलेशंस होते हैं। सो ये डिफरेंट सेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है।
अब हर सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप एक सिंबल अपने दिमाग में बना लें तो डेफिनेटली उन सिंबल्स को जब आप यूज करेंगे फर्स्ट रीड देते हुए, तो सेकंड टाइम आपको बुक को पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो बुक आपको खुद पढ़ाएगी। क्योंकि मुझे ऐसा पता है कि मैं जब सिंबॉलिक मेथड से किसी भी बुक को फर्स्ट रीड दे लेता हूँ तो सेकंड रीड में लाइक मैं रिलैक्स होकर बैठ जाता हूँ, जस्ट मैं ऐसे पेजेस नेक्स्ट नेक्स्ट करता जा रहा होता हूँ और मुझे किताब ऐसे पढ़ा रही होती है जैसे कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस उस्ताद मुझे मेन मेन बातें बता रहा है, राइट। सो ये इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है टू ट्रेन योर ब्रेन इन दिस वे। सो मैं अपने जो सिंबल्स हैं, जिन सिंबल्स को मैं यूज करता हूँ, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, आपको पसंद आए ये सिंबल्स यूज कर लें या अपने सिंबल्स डिवाइस कर लें अकॉर्डिंग टू योर ओन माइंड सेट। और देखें कीवर्ड, जब भी मैंने बुक में देखता हूँ पैराग्राफ में कोई कीवर्ड है मैं उसके ऊपर स्टार लगा देता हूँ। इसी तरीके से जब मैं देखता हूँ कि कोई भी हेडिंग है उसके अंदर, तो मैं उसके आगे एक डॉट लगा देता हूँ। इसी तरीके से अगर कोई इंपॉर्टेंट लाइन है या इंपॉर्टेंट कोई पैराग्राफ है उसके साइड पे ब्रैकेट लगा के मैं स्टार और सर्कल लगा देता हूँ। इसी तरीके से अगर बुक में कोई लिस्ट दी गई है मैं वहाँ पे बुक के ऊपर ही नंबरिंग कर देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5। फॉर एग्जाम्पल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन लिखे हुए हैं बालाजी की बुक के अंदर, एक लाइन में लिखे हुए हैं, मैं लिख दूंगा उसके ऊपर ही वहीं पर लिख दूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मुझे क्लियरली पता होगा बाद में कि यार 6 फंक्शन बुक के अंदर लिखे हुए हैं। इसी तरीके से पैराडॉक्सिकल इन्फॉर्मेशन के लिए ये ट्रायंगल का सिंबल मैं यूज कर देता हूँ, वो भी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। इसी तरीके से अगर कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन है बुक के ऊपर, जहाँ से मर्जी मुझे अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही उसके साइड पे बड़ा सारा मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्या इसकी मुझे समझ नहीं आई, ताकि जब मैं टीचर के पास जाऊँगा मैं आराम से उसको खोलूँगा सर मुझे इस बात की समझ नहीं आई मुझे समझा दें। सो पढ़ते हुए इवन अगर आपको ये भी पता चल जाता ना मुझे ये चीज़ नहीं पता चली, ये भी एक ब्लेसिंग है, राइट। ये भी एक ब्लेसिंग है, जस्ट उसको माइंड में सेपरेटली सेग्रीगेट करें ये चीज मुझे समझ नहीं आई ये मैं बाद में समझ लूंगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। और इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन कहीं निगलेक्टेड इन्फॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल एक डायग्राम है उसके नीचे दो लाइनें हैं, उन दो लाइनों में से सेकंड लाइन का जो सेकंड लास्ट वर्ड है आप उसको इग्नोर कर दिए, जैसे गुड चेस्ट यू विल इग्नोर इट। लेकिन जब टेस्ट हुआ क्लास का वहां से क्वेश्चन बना हुआ था, अब आप अगर आप उसको अपने दिमाग में सेपरेटली फीड नहीं करेंगे ना वो दोबारा वहां से क्वेश्चन आएगा, दोबारा चांस गलती होगी। अब उसको अंडरलाइन करेंगे और उसके साइड पे से मैं KIM का वर्ड यूज कर लेता हूँ कीप इन माइंड। इसी तरीके से अगर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, फॉर एग्जांपल एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि वाटर ऑलवेज फॉलोज द सलूट्स, पानी हमेशा सलूट्स के पीछे जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और जगह जगह अप्लाई होता है, राइट। या ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होते हैं, वेन एवर दिस विल हैपन दिस विल ऑल्सो हैपन, राइट। सो जब भी कभी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जिसका उस टॉपिक या उस चैप्टर को छोड़ के उसके यूनिवर्सली बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, उसके मैं क्या करता हूँ, मैं निकाल के टेक्स्ट बुक की टॉप के ऊपर एक डॉट लगा के बड़ा सारा वहाँ पे लिख देता हूँ, यार ये एक अहम उसूल है, ये मुझे लाजमी तौर पर दिमाग में इसको फिट रखना है और जहाँ जहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इसको अप्लाई करूँगा। इसी तरीके से कई दफ़ा सेम थिंग होती है, राइट। सेम थिंग से मुराद ये है कि कई दफ़ा क्योंकि डिफरेंट राइटर्स जब बुक्स को लिख रहे होते हैं वो कई दफ़ा टर्मिनोलॉजीज़ में आपस में थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाती है। सो अगर एक ही बुक के अंदर इवन मैंने बड़ी दफ़ा देखा है कि एक टर्मिनोलॉजी एक चैप्टर में और तरीके से दी गई है और दूसरे चैप्टर में वही टर्मिनोलॉजी और तरीके से दी गई है। सो अगर आपको पता चल जाए यार ये दोनों एक ही चीज़ है, आप किसी एक जगह पे बुक में लिख दें कि दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब कि ये सेम थिंग है। सो सेम थिंग के लिए आप इक्वल का सिंबल यूज़ कर लें। अगर दो चीज़ें सिमिलर हैं आपस में, 100% एक जैसी नहीं है लेकिन मिलती जुलती हैं, उसके लिए आप ये सिमिलर का ये जो सिंबल मैंने लगाया हुआ ये यूज़ कर लें। इसी तरीके से जब आपको लगे या टेस्ट क्लास टेस्ट हुआ या किसी भी तरीके से आपने मे बी पास क्वेश्चंस को देखा, आपको लगे यार यहाँ से तो क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, आप बुक की साइड पे वहाँ पे एरो लगा के लिख दें SQ, लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है SQ, या आप LQ लिख दें कि लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरीके से अगर वो MCQ बन सकता है, खासतौर पर ट्रिकी वन अगर MCQ है, वैसे तो बेताशा MCQ बन सके होते हैं, लेकिन अगर कोई ट्रिकी MCQ आपको लग रहा है यार यहाँ से बड़ा ट्रिकी MCQ एग्जामिनर चाहे तो जनरेट कर सकता है, या मे बी टीचर आपको कई दफ़ा गाइड कर देता है, अब वहाँ पे साइड पे छोटा सा लिख दे कि जी यहाँ से ये MCQ बनेगा। इसी तरीके से कोरिलेशन, अब कोरिलेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कोरिलेशन से मुराद यह है कि बुक पढ़ते हुए एक चीज़ को दूसरी के साथ रिलेट करना। अब कोरिलेशन कई लेवल्स पे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटर टॉपिक्स इन अ चैप्टर, इंटर चैप्टर्स इन अ सब्जेक्ट, एंड इवन इंटर सब्जेक्ट कोरिलेशंस, राइट। सो मल्टीपल लेवल्स पे कोरिलेशंस हो सकते हैं। जब हम एक चीज की मदद से दूसरी चीज को पढ़ते हैं ना तो हमारे दिमाग में ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन रिटेन होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक ही कॉन्सेप्ट है
उसकी एक लेवल तक डिस्क्रिप्शन आपको केमिस्ट्री में मिलेगी, उससे आगे में भी आपको फिजिक्स में मिले, राइट। सो या एक चैप्टर के अंदर एक इंफॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड बाकी इंफॉर्मेशन किसी और चैप्टर में दे दी है, जब आप दूसरी तीसरी रिवीजन में जाएंगे आपको तब अंदाजा होता है हाँ यार ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। सो जब भी आपको कोई कोरिलेशन ऐसा मिलता है तो उसके लिए ये सिंबल यूज करके कोरिलेशन का आप बुक में कहना के लिख दे यार ये चीज़ उसके साथ रिलेटेड है, ताकि आप इसको पढ़ें साथ उसको भी पढ़ लें। इस बहाने से दोनों चीज़ें एक तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगी और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर देंगी, एक दूसरे को बेहतर तैयार करने के अंदर आपकी हेल्प कर देगी। सो ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि मैं यूज करता हूँ एंड आई पर्सनली थिंक दिस इज इनक्रेडिबल वे टू डू द सब्सिक्वेंट रिविजन्स। लाइक मुझे पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई रीड बुक्स सो फास्ट, I know myself, I really read them so much fast and I revise even much more faster. And the main reason behind this is this SQ3RT method. और उस method में से भी जो मेरा best part है, I would say that is using these symbols. So I would also advise you to use all them symbols while reading your textbook. It will revolutionize the way you learn. क्योंकि आपने जब भी पढ़ना है ultimately आपने ज़्यादा तो book से ही सीखना है ना, राइट। इवन अगर आप कोई वीडियो भी देखेंगे या कहीं और से भी कंटेंट कंज्यूम करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे आपका न्यूक्लियस आपकी बुक ही है ना, तो बुक रीडिंग आपको सीख ही लेनी चाहिए, राइट। और मैंने ये मेथड जो है ये नहीं मुझे ओवरनाइट ये मेथड मैंने सीख लिया, फर्स्ट टाइम मैंने इसके बारे में एक आर्टिकल पढ़ा था व्हेन आई वाज इन एमबीबीएस इन फाइनल ईयर ऑफ एमबीबीएस, तब मैं रिसर्च कर रहा था बेहतर अंदाज में कैसे सीखते हैं, तो वहाँ से मैंने इस मेथड को फर्स्ट टाइम मैंने इसके बारे में एक आर्टिकल पढ़ा, मेरा इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मैंने इसके बारे में फिर बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, फिर मैंने हर एक स्टेप को अलग से मैंने इंप्लीमेंट करना शुरू किया एंड ओवर ईयर्स मैंने अपनी स्किल को पॉलिश किया। लाइक मैं खुद के ऊपर मैंने बेताशा एक्सपेरिमेंटेशन की, यार ये करूँ तो ये होता है, ये करूँ तो ये होता है, लाइक थ्रू राउंड एंड राउंड एक्सपेरिमेंटेशन अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह आई रीच दिस लेवल और अब अल्हम्दुलिल्लाह आई नो आई एम रियली रियली गुड, आई एम गुड एट वेरी फ्यू थिंग्स आई वुड से, बट बुक रीडिंग यस आई एम गुड एट, आई नो व्हाट आई एम गुड एट, राइट। बुक रीडिंग ये आपको आई वुड स्ट्रॉन्गली एडवाइज यू कि आप मेरे वाला मेथड ही यूज़ कर लें, बल्कि जिन स्टूडेंट्स ने मेरे से बुक रीडिंग सीखी है बिलीव मी मैनी मैनी ईयर्स डाउन द लाइन समटाइम्स मुझे मैसेज आएगा, मुझे कॉल आएगी, सर जो आपने हमें वो सिखा छोड़ी थी ना हम आपका पूरी जिंदगी साथ नहीं खोल सकते, लाइक बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिलते हैं। रीजन बीइंग कि ऑफकोर्स ये मेथड बड़ा सॉलिड है, आप जहाँ भी मर्जी खड़े हैं, आप इमान अगर आप एक बिजनेस भी कर रहे हैं अगेन आपको सीखना पड़ेगा, आपको कंप्रीहेंड करना पड़ेगा। और लाइक सबसे अहम तरीन स्किल क्या है लाइक सीखने के लिए, सबसे अहम तरीन स्किल तो ये है ना कि सीखते हैं कैसे, लर्निंग हाउ टू लर्न इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स एंड थ्रू दिस आर्ट ऑफ बुक रीडिंग आई एम एक्चुअली टेलिंग यू दैट हाउ यू कैन बिकम अ ग्रेट लर्नर, आई एम टॉकिंग ग्रेट लर्नर, नॉट एन ऑर्डिनरी लर्नर, नॉट अ गुड लर्नर, अ ग्रेट ग्रेट लर्नर, राइट। ओके, अब हम चलते हैं अगले मरहले की तरफ एंड दैट इज रिकॉल। अब रिकॉल के अंदर बेसिकली थ्री स्टेप्स होते हैं, इसमें सबसे पहले इसमें तीन क्वेश्चंस को अगेन हम आंसर कर लेते हैं रिकॉल के अंदर। सबसे पहले नंबर पे हम देखते हैं कि रिकॉल है क्या, व्हाट इज रिकॉल। रिकॉल का मतलब है जहन पर जोर देकर याद करना, राइट, जहन पर जोर देकर याद करना और मीन्स कि अपने ब्रेन को फोकस कराना और याद करना। यहाँ पे वर्ड मैंने याद करने का लिखा है, देखिए रीड करते हुए मैंने कहा था अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे याद करने का मैंने कहा है। अब ये क्यों करते हैं रिकॉल, क्योंकि समहाउ हमारी कंट्री का सिस्टम ऐसा है कि हमें एग्जाम में अच्छे स्कोर्स लेने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को रिटेन करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे भी हैं जहाँ पे रिटेंशन पे कम फोकस होता है, हमारी कंट्री में समहाउ है एंड वी हैव टू लिव विद दिस। मैं सिस्टम को भी ब्लेम नहीं करूंगा, जस्ट वी हैव टू लिव विद दिस, यू जस्ट विल हैव टू एक्सेप्ट दिस। और सो इसका मकसद क्या होता है रिकॉल का, क्रिएशन ऑफ मेमोरी, क्रिएशन ऑफ मेमोरी, मेमोरी को क्रिएट करना। पहले हमने रीडिंग में हमारा मकसद क्या था, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, राइट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। और उसके बाद फिर रिकॉल के अंदर क्या है, क्रिएशन ऑफ मेमोरी। देखिए ना हर चीज का मकसद है, सबसे पहले हमने सर्वे किया, मकसद क्या था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर क्वेश्चंस, मकसद क्या था, हमें बुक रीडिंग का पर्पस मिल जाए, फिर रीडिंग उसका मकसद क्या था, हमें समझ आ जाए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। रिकॉल का मकसद क्या है, मेमोरी क्रिएट हो जाए, राइट। और उसके बाद फिर रिकॉल करते कैसे हैं, इसका बड़ा ही सिंपल मेथड है, बड़ा ज़बरदस्त मेथड है। आपने बुक को रीड दे ली, रीड दे के अब आप किताब को क्लोज करें और हर एक क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करें। सो जिस क्वेश्चन को भी आप आंसर नहीं कर पाएंगे आप दोबारा बुक को खोलें, देखें, ओके। सो दिस इज हाउ यू विल क्रिएट योर मेमोरी। और उसके बाद फिर एक तो आप क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश भी कर सकते हैं, इवन आप बुक को क्लोज करके आप रिवाइज करने की कोशिश भी कर सकते हैं।
लाइक आपने जो भी इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, जो भी कॉन्टेंट पढ़ा है, आप बुक को बंद करें और माइंड में पूरा रिकॉल करें यार ये पूरी स्टोरी बुक में ऐसे चलती है। और इसका एक बड़ा अच्छा मेथड ये भी होता है, आप दो एक्सट्रीम्स को पकड़ लेते हैं इन्फॉर्मेशन की, क्योंकि बुक में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो सारी आपस में कनेक्टेड होती है। सो मैं एक साइड से एक चीज़ को पकड़ता हूँ, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पकड़ के फिर मैं स्टेप बाय स्टेप उस सारे को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। सो दिस इज हाउ यू रिकॉल। सो किताब बंद करके रिवाइज करें या सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करें, दिस इज योर रिकॉल। सो इस तरीके से आप रिकॉल करते हो। और इसके साथ ही हम आ जाते हैं रिव्यू, जो कि मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टेप्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और मोस्ट मिस्ड भी है, बहुत सारे बच्चे ये नहीं करते। और रिव्यू क्या है बेसिकली, रिव्यू का मतलब है दोहराई, राइट। और रिव्यू हम क्यों करते हैं, फॉर कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी, क्योंकि मेमोरी जो हमने क्रिएट की है उसमें से बहुत सारी चीज़ें इवेपोरेट हो जा रही हैं, अब हमने उस मेमोरी को कंसोलिडेट करना है। सो कंसोलिडेशन ऑफ द मेमोरी, और ये हम कैसे करेंगे, एंड इसका जो बेस्ट मेथड है वो ये है कि आज आपने जितना पढ़ा है आप कल नेक्स्ट एरिया स्टडी करने से पहले उसको रिवाइज करें। देखें, मैंने शुरू में बात की थी कि हमारी मेमोरी दो तरह की होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लिमिटेड होती है, स्ट्रेस में साथ छोड़ जाती है, और लॉन्ग टर्म अनलिमिटेड होती है और स्ट्रेस में हमारा साथ नहीं छोड़ती। और शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करते कैसे हैं, अब मैं इस बात को आंसर करने लगा हूं। देखिए, साइंटिफिक रिसर्च ने यह साबित किया है कि जब एक ही इंफॉर्मेशन 12 आवर्स से ज्यादा और 24 आवर्स से कम गैप के साथ हमारे ब्रेन में दो दफा एंटर की जाती है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। इस बात का प्रैक्टिकल मतलब यह है कि जो आज पढ़ा है कल नेक्स्ट एरिया को स्टडी करने से पहले आज वाले को रिवाइज कर लें, राइट। जो भी आपने जो आज आप नेक्स्ट पढ़ना है, आप प्रीवियस डे जो आप पढ़ के आए हैं उसे आप रिवाइज कर लें, इससे आपकी जो मेमोरी है वो काफी हद तक कंसोलिडेट हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके दिमाग से इवेपोरेट हो चुकी होंगी। देखिए, ये बड़ी एक सिंपल सी बात है, हमने अपने आप को खुश करने के लिए नहीं पढ़ना, हमने क्यों पढ़ना है, हमने पढ़ना है एग्जाम में अच्छा नंबर लेने के लिए या सीखने के लिए पढ़ना है। बड़ी दफा हम क्या करते हैं, हमने जो इस एरिया को पढ़ लिया होता है ना, हम ना क्या करते हैं, हम उस एरिया से नज़रें चुरा रहे होते हैं, हम कहते हैं हमें दोबारा ना ही पढ़ना पड़े। लेकिन हमने नज़रें नहीं चुरानी अपनी, हमने हर टॉपिक की आंखों में आंखें डाल के देखना है, राइट। सो हमने नेक्स्ट डे भी क्या करना है, हमने नेक्स्ट डे जो प्रीवियस पढ़ा है भूल भी चुका है कोई बात नहीं, अब एक दफ़ा दोबारा उसको रीड दे लेंगे। ये लाइक अगर आज आपने एक कंटेंट को लर्न करने में 6 आवर्स लगाए हैं ना, टुमोरो अगर आप उसके ऊपर 30 मिनट्स और लगा देते हैं ना, तो ये शायद ऐसे हो जाएगा जैसे आपने 12 आवर्स लगा दी। सो इसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा है। सो रिव्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना सिर्फ डेली बेस पे रिव्यू करें बल्कि वक्ता फ़क्ता हल्की फुल्की दोहराई करते रहा करें। फॉर एग्जाम्पल वीकेंड के ऊपर देख लें, जितना भी पूरे वीक में पढ़ा है उसको कुछ ना कुछ रिवाइज कर लें। फिर इसी तरीके से मंथ एंड हुआ, कोई छुट्टी आ गई स्कूल कॉलेज से, तो आप क्या करें, कोशिश करें कि एक ही दिन बैठ के जितना पढ़ा है उस सारे की क्विकली एक रिवीजन उसको दे दें, राइट। सिंपली मैंने ये देखा कि अगर आप बुक को खोल के सारे टॉपिक्स के साथ हल्की फुल्की सलाम को भी कर लेते हैं ना, अच्छा हाँ यहाँ पे ये था, लाइक यू जस्ट गो थ्रू द बुक वेरी वेरी इन अ वेरी वेरी लाइट मोड, स्टिल बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका ब्रेन ऐसे कॉम्प्रिहेंड कर जाता है और आप अपनी तैयारी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, राइट। सो दिस इज इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट। सो हमने सीख लिया कि रिव्यू कैसे करते हैं। उसके बाद फिर जो लास्ट स्टेप है, दैट इज टीच। अच्छा, ये इसके अंदर मैंने खुद ऐड किया है, ओरिजिनली जो मेथड था उसका नाम था SQ3R मेथड, जो उसके अंदर टी ऐड किया है ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, और टी फॉर टीचिंग है। मैं ये स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, क्योंकि बतौर टीचर मैं जानता भी हूँ, ऑफकोर्स आई एम अ डॉक्टर एंड आई एम अ बिजनेस मैन एज वेल, बट बाय हार्ट आई नो आई एम अ टीचर। तो एज अ टीचर मैं ये बात जानता हूँ कि इंसान पढ़ने के लिए उतना नहीं पढ़ता जितना पढ़ाने के लिए पढ़ता, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब मैंने एज अ स्टूडेंट ना जस्ट एक बेसिक चेंज अपने अंदर एक लेके आया था, बहुत बेसिक लेवल का चेंज लेके आया था। पहले मैं पढ़ता था अपने लिए पढ़ता था, मैंने एक स्टेज पे आके मैंने इस चीज़ को शिफ्ट किया अपने ब्रेन को, लाइक मैंने पूरी पैराडाइम को शिफ्ट किया। मैंने कहा जो भी मैं पढ़ रहा हूँ ना, मैं ये सोच के पढ़ूंगा मैंने किसी और को पढ़ाना, राइट। सो जब मैंने सिर्फ थिंकिंग एंगल अपना चेंज कर दिया ना, कि मैंने पढ़ाने की आंख से पढ़ना है, लाइक मैं टॉपिक को तैयारी ऐसे करता था यार कि मैंने इसको किसी के सामने पढ़ाते हुए मुझे शर्मिंदगी ना हो, मैं इसको अच्छे से और आसानी से समझा पाऊँ। और वैसे भी अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि इफ यू कैनॉट एक्सप्लेन इट सिंपली, इट मींस यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। तो मैं समझ के मैं सादा तरीन लफ्जों से उसको ना एक्सप्लेन करने की कोशिश करता था, राइट। सो पढ़ाने वाली आंख के साथ पढ़ना, ये मैं समझता हूँ कि आपकी बुक रीडिंग को
बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल ले जाता है, राइट। सो टीच पढ़ाना, अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, डीपर कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए। बहुत डीप आपके कॉन्सेप्ट्स, ऑफ कोर्स जब आप पढ़ाने के एंगल से बुक को पढ़ते हैं आपके डीपर कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते हैं। और ये काम आप करें कैसे, इसका एक तो ये है कि आप कोई ना कोई अच्छा स्टडी पार्टनर फाइंड कर लें। ये भी हो सकता है कि आप दो लोग मिल जाएं और दोनों से अगर एक बहुत बड़ा टेस्ट है, 2 chapters का टेस्ट है, एक चैप्टर आप तैयार करें, एक वो तैयार करें, आप अपना चैप्टर उसको पढ़ाएं, वो जो चैप्टर उसने तैयार किया है वो आपको पढ़ाएं। तो इससे क्या होगा, दोनों की सिनर्जी डेवलप हो जाएगी, आप बड़ी जल्दी से दोनों के दोनों चैप्टर तैयार हो जाएंगे, राइट। और अफकोर्स जो पढ़ाने की वजह से जो आपने पढ़ाया होगा वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आता होगा। एक मेथड इसका ये वाला है कि स्टडी पार्टनर फाइंड करें, लेकिन एक से ज़्यादा स्टडी पार्टनर नहीं होना चाहिए। मैंने ये देखा है जैसे ही एक से स्टूडेंट्स दो तक तो ओके एक्सेप्टेबल है, जैसे ही 3 से 4 होते हैं फिर वो जो स्टडी ग्रुप है अक्सर वो इफेक्टिवली काम नहीं करता और टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। और फीमेल्स में खासतौर पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है कि इवन वो दो भी होती हैं तो आपस में बहुत ज़्यादा गिद की बातें बहुत ज़्यादा करती हैं, राइट। सो स्टिल आई वुड एडवाइस यू टू हैव अ गुड स्टडी पार्टनर और जिसके साथ आप प्रॉपरली चीज़ों को स्टडी करें, राइट। उससे पढ़ें भी और उसको पढ़ाएं भी। सो जो भी आप पढ़ें कोशिश करें आप उसको जाके सिखा दें, राइट। या अगर फर्ज करें कि आपका स्टडी पार्टनर नहीं भी है, फिर ये टीच वाला स्टेप आपने कैसे करना है, फिर ये टीच वाला स्टेप आप ऐसे कर सकते हैं, आप खुद को पढ़ा दें, सिंपल पेज ओपन करें और खुद को ऊंची आवाज़ से पढ़ाना शुरू कर दें, भाई यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है। लाइक जैसे ही दरमियान में कोई भी गैप आएगा ना पढ़ाते हुए, अब क्लियरली पता लग जाए, ओ यार यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या है, राइट। सो दैट्स हाउ यू एक्चुअली इनकॉर्पोरेट द टीचिंग इनटू योर बुक रीडिंग। सो दिस इज ऑल्सो इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट स्टेप। सो इस तरह से हमारे ये जो 6 मरहले हैं ये मुकम्मल हो गए। और अब मैं इन सबको मैं समअप करके देने लगा हूँ। जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है ना अभी तक, उस सारी को मैं यहाँ पे समराइज करने लगा हूँ एक ही टेबल के अंदर। इसमें आप देख सकते हैं कि एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में स्टेप है, फिर वो स्टेप क्या है, फिर क्यों है और कैसे है, एक्सट्रीम राइट कॉलम में कैसे है, ये आ रहा है इसके अंदर। और इसके अंदर अगर आप गौर करें तो आप देखें कि सबसे पहले देखें कि हमने सर्वे, क्वेश्चंस, रीड, रिकॉल, रिव्यू और टीच, ये हमारे सारे स्टेप्स हैं। हर एक के बारे में हमने 3 बातें पढ़ी हैं, क्या, क्यों और कैसे, राइट। सो ये एक ही टेबल के अंदर मैं समअप कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आप गौर करें तो मैंने इवन ये टॉपिक पढ़ाने के लिए भी आपको सेम मेथड मैंने यूज़ किया। मैंने सबसे पहले आपको, अगर आप गौर करें, सबसे पहले मैंने आपको पूरे के पूरे बुक रीडिंग के मेथड का सर्वे दिया, फिर मैंने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के ऊपर को लेके आया, राइट। फिर मैंने उसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, फिर मैंने अभी लाइक कंसोलिडेट कर आप उसको खुद से करेंगे, और उसके बाद फिर देखिए मैं अभी आपको रिवाइज भी करवा रहा हूँ, राइट। रिवाइज करवा रहा हूँ आपको कि इस तरीके से, और ये टीच तो मैं कर ही रहा हूँ ऑफकोर्स। सो मैंने खुद इवन ये वाला मेथड लाइक यही वाला मेथड यूज़ करके ही मैंने आपको ये मेथड सिखाया, राइट। सो दिस इज ऑल्सो एन अमेजिंग थिंग। अब देखिए सर्वे जो है ये बिग पिक्चर है, क्वेश्चन बुक्स टू ग्रैब नॉलेज है, रीड पढ़ना, रिकॉल जेन पे जोर देकर याद करना, रिव्यू दोहराई और टीच पढ़ाना। फिर सर्वे हम क्यों करते हैं, इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्वेश्चंस पर्पज ऑफ रीडिंग देते हैं हमें, रीडिंग से इन्फॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, रिकॉल से क्रिएशन ऑफ मेमोरी, रिव्यू से कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी एंड टीच से बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स। चले अब व्हाट और वाई को मेरी तरफ से आप माइंड से इग्नोर करते हैं, अब इग्नोर कर सकते हैं। मैंने व्हाट और वाई, व्हाट्स एंड व्हाईज ऑफ ऑल दीज 6 स्टेप्स मैंने आपको इसलिए बताए हैं ताकि थ्योरेटिकली आपके माइंड में बैकग्राउंड नॉलेज हो, शायद ये इसलिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि जो भी आप कर रहे होते हैं यू शुड बी नोइंग व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाई आई एम डूइंग, राइट। सो इसलिए मैंने व्हाट्स एंड व्हाईज आपको दे दी हैं। असल में जो प्रैक्टिकल बात ये है ओनली हाउ है कि करना कैसे, बस सिर्फ अगर आप ये जो टेबल के अंदर ये जितनी इन्फॉर्मेशन है ना, ये जिसको मैंने सर्कल कर दिया है, सिर्फ अगर आप इतनी इन्फॉर्मेशन को इतना सा ट्रेसिंग आप बना के अपने सामने कहीं पर लगा लें और जब भी पढ़ें बस सिर्फ इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए पढ़ते चले जाएं, ऑटोमेटिकली समझ लें आपका SQ3RT मेथड इंप्लीमेंट हो गया। नोइंग से ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, और इंप्लीमेंटेशन के लिए देखें ये छोटा सा फॉर्मूला है। अब आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया कि ये हम क्यों कर रहे हैं, अब इतना सा जो नटशेल है इवन ये इसको अप्लाई करवाने के लिए काफ़ी है। इसमें देखें सबसे पहले आपने जो भी चैप्टर पढ़ना है उसका टाइटल पढ़ें, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ें, हेडिंग्स पढ़ें, सब हेडिंग्स पढ़ें, ट्यूटोरियल्स और समरी देखें, फिर आप क्वेश्चंस के ऊपर आ जाएं और आप अपने क्वेश्चंस बनाएं, टीचर के क्वेश्चंस को इनकॉर्पोरेट करें बुक में, क्लास टेस्ट के क्वेश्चंस को आप रीड कर सकते हैं, पास्ट क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं कि पास्ट में क्वेश्चंस यहाँ से कैसे आए, मॉडल क्वेश्चंस को, और इवन किसी भी दूसरे रिसोर्स से अगर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वो आप ले लें, जो भी एरिया पढ़ने वाले हैं उन क्वेश्चंस को अपने दिमाग में रख लें। फिर आप सिंबल्स जो कि मैंने आपको बताई हैं उन्हें यूज़ करते हुए पढ़ें, और पढ़ के फिर आप किताब को बंद करके
कोशिश करें इन्फॉर्मेशन को रिवाइज करने की, और जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को खुद से आंसर करने की कोशिश करें। उसके बाद आप नेक्स्ट डे अगला सेक्शन पढ़ने से पहले दोबारा पिछला सेक्शन पढ़ लें, और फिर लास्ट पे आप अपने किसी पार्टनर को पढ़ा दें, पार्टनर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप खुद को ही पढ़ा दें। सो इस तरह से ये वाला जो मेथड है आपका ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो जाएगा। बस ये इसके 6 स्टेप्स हैं। अगर आप ये जो रेड सर्कल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी है, अगर आप इस सारी इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में रख सकते हैं और इसको अगर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आपकी लाइफ एज अ स्टूडेंट इंशाल्लाह ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सो मैं एडवाइस करूंगा कि इन सारे स्टेप्स को आप एक पेज पे लिख लें, लिख के अपनी स्टडी प्लेस पे अपने सामने पेस्ट कर लें और डेली इसको देखें, जब भी पढ़ें फिर देखें मैंने इसमें से क्या मिस किया, फिर राउंड एंड राउंड कीप लुकिंग एट इट, कीप लर्निंग इट, कीप इम्प्लीमेंटिंग। सो इसको पढ़ें, अप्लाई करें। पहली दफ़ा एकदम सारा अप्लाई नहीं होगा, मे बी फर्स्ट टाइम 20% अप्लाई होगा, 30%, 40%, आहिस्ता, जैसे कार ड्राइविंग आहिस्ता आती है ना, तो ये भी आहिस्ता आपको आने वाला है, राइट। इट मे टेक 1 or 2 weeks, लेकिन अगर 1-2 हफ्ते के लिए आप फोकस कर जाएं और पूरी जिंदगी के लिए किताबों से आपका फोबिया खत्म हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती, राइट। सो ये मेथड आपको कैसा लगा इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ये लास्ट में कोट है, ये भी मेरा एक फेवरेट कोट है, और मैं मैं चूँकि खुद भी मैं इंस्पिरेशन मैं लेता भी बहुत ज़्यादा हूँ, आई ट्राई टू इंस्पायर अदर्स एज वेल, तो ये एक इंस्पायरिंग कोट है। लेट अस रिमेंबर 1 book, 1 pen, 1 child and 1 teacher कैन चेंज द वर्ल्ड, दे कैन चेंज द वर्ल्ड, राइट। One book, one pen, one child, and one teacher. They have got the potential to change the world. I hope that you have enjoyed the process of learning the art of book reading with me. अब इसको apply करना आपका काम है, मेरा काम था आपको रास्ता दिखाना, उस रास्ते पे चलना आपने खुद है, right? और इंशाल्लाह जब आप इसको apply करेंगे तो just after few days you will clearly feel the difference. ये अब ये कहने की ये वाला जो method है ये transformational method है. So thank you very much for the patient listening. Allah Hafiz. Remember me in your prayers.